हाँ जी, नमस्ते नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड ऑल वेल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और कोरोना वायरस की इस महामारी से आप अपने आप को बचा के रखेंगे। मेरे बेटा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 एग्जाम्स में ऑप्ट आउट किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने का विचार बना रहे होंगे। साथ साथ में आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नवंबर 2020 का एग्जाम का मन बना रहे होंगे। तो चाहे आप जुलाई 2020 या फॉर दैट मैटर दिसंबर 2020 का एग्जाम दें, आपको यहाँ पे जीएसटी का रिवीजन करवाने का मैंने बेड़ा उठाया है। मैं आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बाद आपकी फरमाइश पे, आपकी डिमांड पे, जो सा चैप्टर आप कहेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। आप मेरे पीछे इस समय ये नोट्स देख पा रहे हैं। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मेरे अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ये वो नोट्स हैं जो मैं अपनी नॉर्मल वीडियो क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को देता हूँ। साथ साथ में यही वो नोट्स हैं जो मैंने अन अकेडमी पे भी स्टूडेंट्स को दिए हैं। अन अकेडमी पे जीएससी का चैप्टर, जीएससी का सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। छोटे छोटे तीन चैप्टर बचे हैं, इनवॉइस, ई वे बिल और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स मैं जीएसटी के अन अकेडमी पे करवा चुका हूँ। अभी मई और जून के महीने में करवाए हैं। तो ये वही नोट्स हैं जो अन अकेडमी के स्टूडेंट्स को दिए। ये वही नोट्स हैं जो मैंने अदरवाइज अपनी नॉर्मल वीडियो क्लासेस के अंदर करवाए। तो मैं उन्हीं नोट्स को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को सारा का सारा रिवीजन इन्हीं नोट्स में से करवा दूंगा। जैसा ये रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया, दिस विल गिव यू अ गुड सैम्पल। मैंने बिल्कुल इसी तरह सारा जीएससी का सब्जेक्ट, पूरा जीएससी का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को लिखवाया है। चाहे मैं अपनी वीडियो क्लासेस की बात करूं उसमें भी लिखवाया, और चाहे मैं अन अकेडमी पे जीएससी बैच की बात करूं उसमें भी लिखवाया। हाँ, एक चैप्टर मैंने नहीं लिखवाया, वो है एग्जेम्पशंस का। एग्जेम्पशंस का चैप्टर क्यों नहीं लिखवाया, उसके पीछे भी रीजन है। वो एग्जेम्पशंस का चैप्टर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर मैं वो लिखवाने बैठ जाऊं तो शायद 15 क्लासेस लग जाएंगी, खत्म ही नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में उसकी उतनी वेटेज नहीं है। एग्जाम में वेटेज वही है 3 या 4 नंबर की। अब 3 4 नंबर के लिए 15 20 क्लासेस डिवोट करना मेरे को तो कोई सेंस नहीं लगती। इस वजह से मैंने नहीं लिखवाया और मैंने सब कुछ बुक में से मार्क करवाया दिया है एग्जेम्पशंस का चैप्टर। लेकिन एग्जेम्पशंस के चैप्टर के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स मैंने लिखवाए हैं, हाथ से लिखवाए हैं स्टूडेंट्स को। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करी हैं, आप लोगों को अच्छे से याद है, अपनी नोटबुक्स खोल के सामने बैठ जाइए, आपने सब कुछ लिखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे ये रिविजन कर दूंगा। मैं मेरे राइट हैंड साइड पे एक स्क्रीन है, मैं उस स्क्रीन के ऊपर आप सबका चैट पढ़ पा रहा हूं। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं अक्षत चतुर्वेदी। अक्षत, हेलो, गुड इवनिंग। अक्षत ने कहा, सर आई वॉज अनएबल टू अटेंड योर अन अकेडमी क्लास। अक्षत, इट वॉज योर बिग लॉस, आपको अटेंड करनी चाहिए थी। ये वहां पे जो अन अकेडमी के मोबाइल ऐप के ऊपर क्लास है उसकी एक सीरीज है 6 क्लासेस की। आज वो सीरीज स्टार्ट हुई है, आज फिर कल 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को, 6 तारीख तक सीरीज है। आज की क्लास कर लेना और उसके बाद फिर आगे की क्लासेस करना। आई विल टेल यू, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। रघुराम कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रघुराम। तान्या अग्रवाल सर, सर आई केम हे फॉर द फर्स्ट टाइम, योर स्टूडेंट ऋषभ अरोड़ा गेम योर रेफरेंस। थैंक्स कर देना ऋषभ को कि उन्होंने आपको ठीक जगह भेज दिया। देन वी हैव श्रीजा सिंह। श्रीजा, गुड इवनिंग टू यू एज वेल। अक्षत चतुर्वेदी ने कहा, सर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम। अक्षत, स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अमेंडमेंट हुआ बहुत बड़ा,
और न्यास सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। आज की तारीख है 1 जुलाई, 26 तारीख को अभी 4-5 दिन पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी आ गया, जहां पे सर्विसेज के केस में जीएसटी का रेट 6% होगा, उन्होंने उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास में। अक्षत ने कहा सर मेरा लैपी खराब हो गया है। लपी या लैपटॉप, लैपटॉप होता है भाई, लैपटॉप बोला करो, ये लपी शपी वर्ड्स अच्छे नहीं लगते ना सुनने में ना बोलने में, ठीक है जी। और बाकी स्टूडेंट्स जो भी क्लासेस को इस समय देख रहे हैं, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, कोई स्पेशल डिमांड अगर आपकी हो तो आप उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। हमारी ये सारी क्लासेस 1-1 घंटे की होंगी, सो वी स्टार्टेड एट 6:30, वी विल वाइंड अप एट 7:30, और उसके बाद फिर बाकी का रिवीजन पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए मेरे बेटा आज ये रिवीजन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर दें। रिवीजन इज फॉर द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हमारा बहुत आसान, इसके अंदर हम लोग कवर अप करते हैं सेक्शन नंबर 22, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 हम लोग कवर करते हैं, और इनके साथ साथ में हम लोग सीजीएसटी के रूल्स 8, 9, 10, 18 सारे के सारे जीएसटी रूल्स भी हम लोग कवर करते हैं। मेरे बेटा दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये है कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है। सचिन साहू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन ने कहा गुड इवनिंग सर। हेलो सचिन, गुड इवनिंग टू यू एज वेल। रघुराम और बाकी के स्टूडेंट्स, तान्या अग्रवाल, अपने फ्रेंड्स को बाकियों को भी इन्फॉर्म कीजिएगा क्लासेस के बारे में, एंड यू विल बेनिफिट अलॉट, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। तो अगर मैं मूर्ख इंसान बन के जवाब दूं तो मैं बोलूंगा भाई एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करना चाहिए। ये मूर्खता वाला जवाब है। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं करते, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई एग्जाम के साथ साथ में अपनी ग्रोथ के लिए भी करते हैं। हमारा मेंटल ग्रोथ हो, हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इसके लिए भी हम लोग क्लासेस करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। एंड फॉर दैट मैटर दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्ट्रेशन है उससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। जब आप सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी मिलती है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, आपको इजीली एक्सेप्ट किया जाता है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। यू आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल एज कंपेयर टू समबडी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो फॉर दैट रीजन रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, और यही बात मैंने आपको यहां पर लिख के दी है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है आपने। आपने लिखा है रजिस्ट्रेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप अंडर एनी सिस्टम। इन सम केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड इन सम केसेस इट इज ऑन वॉलंटरी बेसिस। मेरे बेटा आप सारे सीए के स्टूडेंट हैं, बताइए क्या सीए के इंस्टीट्यूट के साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था या नहीं करवाया था? यस, करवाया था। और जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी पहचान है। जब तक आप सीए के स्टूडेंट बने रहेंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक नंबर आपकी पहचान बनेगा। मेरे बेटा मैंने आपको यहां पे ये कहा कि बहुत सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लो तो भी ठीक है, नहीं करवाओगे तो भी ठीक है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे चलते हैं। इन एनी टैक्स सिस्टम द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस फॉर टैक्स पर्पसेस इज द रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स अथॉरिटीज। रजिस्ट्रेशन इंप्लॉइज ऑब्टेनिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, जैसे कि जीएसटी में आपका वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है GSTN from the tax authorities so that your business activities can be monitored by the tax authorities.
तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन एग्जाम में फ्यूचर में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी को भी अपना रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए, गवर्नमेंट कंपल्सरी क्यों करती है रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके पीछे एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना चाहती है, और गवर्नमेंट आपके बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर नजर तब रख पाएगी जब गवर्नमेंट के पास आपका कुछ कंट्रोल होगा, और गवर्नमेंट आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती है जब गवर्नमेंट के पास आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हो। तो दैट इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज। आगे देखिएगा, रजिस्ट्रेशन आपको ये सारे एडवांटेजेस देता है। व्हेन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, दीज आर द एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, आप एक लीगल व्यक्ति माने जाते हैं, यू बिकम अ लीगल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड लीगल सप्लायर ऑफ सर्विसेज। आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है अपने सभी गुड्स और सर्विसेज की, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इनपुट अपना क्लेम कर सके। इसके साथ साथ में मेरे बेटा, आपको अपना अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करना है, अगर आपको आईटीसी यूज करना है, तो आप आईटीसी को यूज करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपको ये बात याद होनी चाहिए, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है वो आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकता है। साथ साथ में मेरे बच्चे, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो दूसरा व्यक्ति जब आपसे गुड्स परचेस करेगा, दूसरा व्यक्ति जब आपसे गुड्स परचेस करेगा, तो वो भी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति जो आपसे गुड्स परचेस कर रहा है, वो अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं। मोटी मोटी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके बिजनेस के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की। लोगों को ये बात समझ आती है, यार ये व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड पर्सन है, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, करेगा तो उसे पकड़ना आसान होगा। सो रिलायबिलिटी इंक्रीजेस। तान्या, तान्या कह रहे हैं, सर आई एम कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, मेरे लिए रेलिवेंट है बिकॉज ये चैप्टर मेरे सिलेबस में है। सबके लिए रेलिवेंट है तान्या, सिर्फ आपने ही सबके लिए रेलिवेंट है। स्नैपी, स्नैपी नाम के एक स्टूडेंट आए हैं, स्नैपी हंस रहे हैं, गॉड नोस क्यों हंस रहे हैं, इमोजीज बना रहे हैं, हंसने वाला क्यों बना रहे हैं, गॉड नोस। अगर स्नैपी आप मेरे को रीजन बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। देन हमारे साथ राहुल मंडलिक या मंडलिक नाम के स्टूडेंट हैं। राहुल हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। तो मेरे बेटा, आगे की बात ध्यान से। एवरी बिजनेस शैल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट एक्ट ऑफ दैट स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कहां पे करवाना है, कहां करवाना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपने कहां करवाना है, रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है अपने स्टेट के अंदर। याद रखिएगा, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी है तो भी आपने अपने स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कौन सी स्टेट, ध्यान देना, जिस स्टेट से आप गुड्स बेच रहे हैं, जिस स्टेट से आप सर्विसेज दे रहे हैं, उस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कि जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ना कि जहां पे सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से मेरे को बताइएगा, रघुराम रघुराम आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तान्या, श्रीजा, अक्षत, सचिन साहू, राहुल मंडलिक, आप लोग कौन कौन से स्टेट से हैं, प्लीज बताइएगा। स्नैपी, स्नैपी ने वो इमोजी डिलीट कर दिया, स्नैपी क्यों डिलीट कर दिया पता नहीं, पहले आपने वो इमोजी भेजा क्यों, फिर डिलीट क्यों कर दिया, गॉड नोस या ओनली यू नो। कहां से है स्नैपी, स्नैपी ने कहा साहब मैं दिल्ली से हूं। अक्षय चतुर्वेदी ने कहा मैं उत्तर प्रदेश से हूं। तान्या अग्रवाल ने कहा मैं दिल्ली से हूं। ओके जी, तीन लोगों का जवाब मेरे पास आया, ध्यान देना मैं भी दिल्ली में हूं। स्नैपी, स्नैपी लड़के हो लड़की हो पता नहीं, स्नैपी दिल्ली में कहां रहते हो। तान्या अग्रवाल दिल्ली में कहां रहते हो, मैं भी दिल्ली से हूं, ध्यान देना आई एम गिविंग सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली। व्हेन आई एम गिविंग सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन कहां पे करवाना होगा,
मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दिल्ली में। स्नैपी कह रहे हैं, मैं लड़का हूँ, मेरा नाम रोहिणी है। लड़का हो और नाम रोहिणी है, ऐसा कैसा हो सकता है? मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे को पता है कि रोहिणी जगह का नाम है, आपका नाम नहीं है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ स्नैपी भाई, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, सुना होगा ज़रूर आपने, तो पड़ोसी हूँ मैं आपका। ठीक है जी, आगे की बात सुनते हैं। आगे की बात, यहां से हमारा जीएसटी का मेन एरिया स्टार्ट हो रहा है। जीएसटी में हमारे पास सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन हैं? 22, 23, 24, 25, ये सारे सेक्शंस हमारे पास हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मेन सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 मॉनेटरी लिमिट सेट करता है, जिस मॉनेटरी लिमिट के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। 22 सेक्शन मॉनेटरी लिमिट का सेक्शन है, और आप सबको अच्छे से याद है, हम लोगों ने ये बात सीखी है, पढ़ी है, कि किसी जगह पे मॉनेटरी लिमिट 20 लाख की है, किसी जगह पे 10 लाख की है, किसी जगह पे 40 लाख की है। अलग अलग स्टेट्स में गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग लिमिट है। वो लिमिट सारी के सारे लिमिट कहां पे गिवन है? सेक्शन नंबर 22 में गिवन है। आइए मेरे बेटा, स्नैपी पूछ रहे हैं, सर आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं? स्नैपी भाई आ जाओ, घर पे आ जाओ। मैं रहता हूं एएच ब्लॉक में, जहां पे प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल उसके साथ वाली गली में रहता हूं मैं। मेरा ऑफिस वहीं पे है, इस समय मैं वहीं से ये वाली क्लास टेलीकास्ट कर रहा हूं। अक्षत चतुर्वेदी ने कहा रामपुरा की नागमनी, अरे वाह क्या बात है भाई, मजा आ गया। सुनेगा ध्यान से, सेक्शन 22 कहता है कि 20 लाख रुपए की अगर आपकी टर्नओवर है, करंट ईयर में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए का है, तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जब आपकी आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 20 लाख वाले कंसेप्ट का एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जितनी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वहां पे 20 लाख की जगह आपने 10 लाख रुपए के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि साहब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं? आर्टिकल नंबर 279A सब आर्टिकल नंबर 4 हमें बताता है कि हमारे पास लिमिट क्या रहेगी या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या रहेंगी। हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगी रामपुरा की नागमनी। इसको याद करने का तरीका दे रहा हूं मैं। रामपुरा की नागमनी में आ गई 4 स्टेट्स। कौन कौन से 4 स्टेट्स? एक है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मणिपुर। याद कर लेना रामपुरा की नागमनी। रामपुरा की नागमनी से आपको यह बात समझ आ जाएगी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन 4 स्टेट्स में क्या होगा? इन 4 स्टेट्स पर लिमिट 10 लाख की अप्लाई होगी, और इनके अलावा बाकी पूरे इंडिया में लिमिट कितने की अप्लाई होगी? बाकी पूरे इंडिया में लिमिट 20 लाख की अप्लाई होगी। ठीक है जनाब, ये बात भी समझ आ गई। साथ साथ में सेकंड प्रोविजो, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 का सेकंड एक्सेप्शनल केस ये कहता है कि अगर स्पेशल कैटेगरी सेट चाहे तो फिर वो 10 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 20 लाख पे करवा सकता है। 10 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 20 लाख करवा सकता है अगर स्पेशल कैटेगरी सेट चाहे तो। वो चाहे ना चाहे, उस स्पेशल कैटेगरी सेट की मर्जी है। यहां पे तानिया अग्रवाल कह रहे हैं सर व्हाई स्पेशल स्टेट्स हैव कंसेशन ऑन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर तानिया ने कहा सर स्पेशल कैटेगरी को अलग कैटेगरी क्यों बनाया, और वहां पे 10 लाख की लिमिट क्यों है, बाकियों के लिए 20 लाख की लिमिट क्यों है? तान्या, आई एम हैप्पी टू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। तान्या जरा ध्यान से देखना इन 4 स्टेट्स को।
चार शेड्स का नाम देखो ध्यान से क्या है, चार शेड्स का नाम है रामपुरा की नागमनी, दैट इज मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, चार शेड्स है। ये चारों शेड जो है ये नॉर्थ ईस्ट की शेड्स है, जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पार्ट है चार शेड्स। अब ये जो चार शेड्स हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे शेड्स हैं, इन सभी शेड्स की पोजीशन ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्करेज करती है किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, क्योंकि गवर्नमेंट को यह बात पता है कि अगर हम लोग जंगलों को काट के फैक्ट्रीज लगा दें, इंडस्ट्री सेटअप कर दें, तो इकोनॉमिक वो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो गवर्नमेंट डिस्करेज करती है इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, साथ साथ में अगर इन इंडस्ट्री को आप डिस्करेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, सड़कें बनानी बड़ी मुश्किल है, इलाके बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत कम है। इस कारण से यहाँ पे टूरिज्म के अलावा और कोई ज़्यादा आमदनी का जरिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म। तो इन चार स्टेट्स को ये बात पता है कि हमारी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, और अगर हम लोग लिमिट हाई कर देंगे, 20 लाख की लिमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जीएसटी के लायबिलिटी के लिए, तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार ऐसे होंगे जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये चार स्टेट्स आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी की दायरे के अंदर आ जाए, जीएसटी के एम्बिट में आ जाए। इस वजह से यहाँ इन चारों के लिए लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए, लिमिट कम की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सके। क्या तान्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्या मैं आपका आंसर ले सकता हूँ? प्लीज कैन यू गिव मी द आंसर। यहाँ से अक्षय चतुर्वेदी ने कहा स्पेशल स्टेट्स को एडवांटेज कौन सी लिमिट से होगा, 10 से होगा या 20 से होगा? आप अक्षत, मैंने भी आपको सारा रीजन बता दिया, आप खुद बताओ एडवांटेज किससे होगा, 10 से होगा या 20 से होगा? तान्य ने कहा ओके सर वेरी नाइस, अक्षत ने कहा सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। अच्छा जी चलो, तो इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई। अब आप आ जाओ थर्ड कैटेगरी सेट में। मेरे बेटा थर्ड कैटेगरी सेट देखो क्या है, थर्ड कैटेगरी सेट ये है कि इसने कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कैन इंक्रीज द लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज टू द मैक्सिमम ऑफ 40 लाख रुपीज फॉर दोज सप्लायर्स हु डील ओनली इन गुड्स सब्जेक्ट टू मैनी अदर कंडीशंस एज मे बी नोटिफाइड। कहने का मतलब यह हुआ कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आ जाए, अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट 20 लाख की लिमिट को बढ़ा के 40 लाख कर सकती है। लेकिन 20 लाख की लिमिट बढ़ के 40 लाख पे होगी तो किसके लिए होगी? वह 20 लाख की लिमिट बढ़ के 40 लाख पे होगी सिर्फ ऐसे डीलर्स के लिए जो गुड्स में डील करते हैं, जो सर्विसेज वाले हैं उनके लिए कभी भी, सर्विसेज वालों के लिए कभी भी लिमिट, नेवर एवर द लिमिट इज गोइंग टू बी 40 लाख रुपीज। 40 लाख की लिमिट इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज हु आर सप्लाइंग गुड्स। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान देना क्या क्या कंडीशंस हैं जो इन्होंने नोटिफाई करी हैं। कंडीशंस नोटिफाई ये हैं कि 40 लाख की लिमिट अप्लाई तब होगी जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन लिया है। 40 लाख की लिमिट विल नॉट अप्लाई टू दोज हु आर रिक्वायर्ड टू टेक, हाँ आई एम सॉरी, 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी अगर आप सेक्शन 24 में कवर हो रहे हैं। तो सेक्शन 24 क्या कहता है, मेरी बात सुनना, अभी मैं आपको करवा रहा हूं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि मॉनेटरी लिमिट के मुताबिक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सेक्शन नंबर कौन सा, ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा सेक्शन नंबर 24 जो कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी लिमिट आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, इररिस्पेक्टिव। और उसके साथ साथ में बाद में मैं आपको करवाऊंगा सेक्शन 23 जो कहता है कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉनेटरी लिमिट आपको अपना रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करवाना। तो ध्यान देना, सेक्शन 24 में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा आपका, 40 लाख की लिमिट चेक नहीं करेंगे। तो चाहे आपका टर्नओवर सिर्फ 10 रुपए का है तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आप सेक्शन 24 में कवर हो रहे हैं। तो सेक्शन 24 क्या कहता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आगे की बात ध्यान से सुनेगा। 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 40 लाख की लिमिट विल नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होगी किसके लिए अप्लाई नहीं होगी, उसके लिए अप्लाई नहीं होगी जो आइसक्रीम या एडिबल आइस में डील करता है, जो पान मसाला में डील करता है, जो टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स में डील करता है, इन लोगों के लिए अगेन 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होने वाली है, 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होने वाली है। हमारे पास यहां पे स्टूडेंट है सत्यम त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी कह रहे हैं सर आई एम इन मध्य प्रदेश एंड आई डील इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला, विच लिमिट विल अप्लाई। 20 लाख का लिमिट अप्लाई होगा सत्यम आपके ऊपर, द लिमिट ऑफ 20 लाख विल अप्लाई ऑन यू। 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा सत्यम, 40 लाख का लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पर्सन हु आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला, जैसा सत्यम अभी आपने बोल दिया यहां पे। और साथ साथ में मेरे बेटा 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी अगर आप अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और साथ साथ में 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी इन सभी स्टेट्स के लिए। कौन से स्टेट्स हैं, रामपुरा की नागमनी, और साथ साथ में स्टेट्स हैं सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना, जिसको याद करने का तरीका मैंने दिया सुमप्त, SUMAPT, सुमप्त। तो अगर आप सुमप्त वाली कैंडिडेट स्टेट्स में आते हैं या फिर आप आते हैं रागपुरा की नागमनी वाली स्टेट्स में, तो आप कभी भी 40 लाख की लिमिट में नहीं आ सकते, आप आएंगे या तो 10 लाख की लिमिट में या फिर आप आएंगे 20 लाख की लिमिट में। सुमप्त में क्या क्या, कौन कौन से स्टेट्स आएंगी सुमप्त में, आएंगी सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, पांडिचेरी एंड तेलंगाना। हम लोगों ने पिछले 15-20 मिनट में जो कुछ किया उस सब की समरी मैं आपको यहां पे दे देता हूं, ध्यान से देखना मेरे बेटा समरी, ध्यान से देखो मेरे बेटा समरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरी समरी दिखाई दे रही है। समरी ध्यान से देखिए, समरी क्या है, समरी ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, जैसे अभी सत्यम त्रिपाठी ने कहा कि सर मैं तो पान मसाला बनाता हूं, तो पान मसाला इज ओनली गुड्स, सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं तो फिर आपकी लिमिट्स होंगी 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख। 10 लाख की लिमिट किस लिए, 10 लाख की लिमिट होगी रामपुरा की नागमनी, रामपुरा की नागमनी, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। 20 लाख की लिमिट अप्लाई होगी सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी, तेलंगाना। और इन सबको छोड़ दो, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, पांडिचेरी, तेलंगाना, इन सबको छोड़ दो तो लिमिट अप्लाई होगी बाकी पूरे इंडिया के लिए 40 लाख रुपए की। लेकिन अक्षत और सत्यम याद रखना, आप 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप पान मसाला बनाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है या सिर्फ सर्विसेज में डील करता है,
गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है या सिर्फ सर्विसेज में डील करता है, तो लिमिट होगी 10 लाख या 20 लाख। 10 लाख की लिमिट किसके लिए? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के लिए, और 20 लाख की लिमिट होगी बाकी सारे इंडिया के लिए। ताने कह रहे सर टबैको और पान मसाला तो समझ आता है, बट वाई द गवर्नमेंट इज सो स्ट्रिक्ट विद आइसक्रीम? तान्या, इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड। सी, टोबैको, पान मसाला, एरिएटेड ड्रिंक्स, दीज आर गुड्स विच हार्म द सोसाइटी। ये ऐसे गुड्स हैं जो कि सिन, SIN गुड्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। फेयर इनफ, तो यहां पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज हार्म इन आइसक्रीम्स एंड देन व्हाट इज हार्म इन एडिबल आइस? देखो यहां पे मैंने लिख के दिया है, आइसक्रीम्स एंड एडिबल आइस। एडिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो भाई आइसक्रीम और एडिबल आइस वालों के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड, मेरे को भी आज तक नहीं समझ आया। तान्या, अगर आपको कभी समझ आए, आप कभी किसी और टीचर की से पढ़ाई करें, वो कुछ बताए, तो प्लीज़ मेरे को भी बता देना। मेरा नंबर ऋषभ से ले लेना, वो आपको बताएगा। मेरा नंबर वैसे मैं आपको बोल देता हूँ, लिख लो 8010921000। और अगर कभी भी किसी को भी ये बात समझ आ जाए कि जनाब आइसक्रीम वालों के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों है, तो भाई मेरे को भी बता देना, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। यहाँ पे सत्यम कह रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, मतलब कुछ भी बोल दो, हैं कुछ भी बोल दो, कुछ भी है ना सत्यम। चले, दीपांशु गर्ग कह रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम जी, पता नहीं क्या मतलब है इस बात का, कॉम्पोजिशन स्कीम जी। आगे की बात ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट है, ये 10, 20, 40 लाख की लिमिट क्या है? ये 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की। मेरे बेटा याद रखना, वर्ड लिखा हुआ है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्रीगेट का मतलब है सबको मिला के। मान लीजिए आपके पास अक्रॉस इंडिया 5 ब्रांचेस हैं, एक ऑफिस दिल्ली में है, एक मध्य प्रदेश में है, एक महाराष्ट्र में है, एक केरला में है, एक असम में है, सबको मिला दो, सबको मिला दो, सबका टर्नओवर, सबका सेल्स ऐड कर लो। और अगर अक्रॉस इंडिया सबका मिला के टर्नओवर आ रहा है और वो टर्नओवर है 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ज्यादा, तो फिर डेफिनेटली GST में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, उसके लिए सेक्शन यह है Section 2, Subsection 6, या कई लोग इसे क्लॉज भी कहते हैं, आप जैसा कंफर्टेबल फील करें वैसा बोल देना। मेरे बच्चे याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा पहला, सभी प्रकार के टैक्सेबल गुड्स, सभी प्रकार के टैक्सेबल सर्विसेज। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं अन अकेडमी के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरे को अन अकेडमी से पैसा मिलता है, तो दिस इज अ टैक्सेबल सर्विस विच आई एम गिविंग टू अन अकेडमी। तो my taxable services गिवन टू अन अकेडमी आर टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग माय एग्रीगेट टर्नओवर। साथ साथ ध्यान रखना, आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाइज को इंक्लूड करना है। एग्जेम्प्टेड सप्लाइज में क्या क्या आएगा? एग्जेम्प्टेड सप्लाइज में आएगा सारे सप्लाई जो कि एग्जेम्प्ट हो, या जिनके ऊपर जीरो रेट ऑफ GST लगता हो, या जो नॉन टैक्सेबल सप्लाइज हैं वो भी आएंगे। अब क्वेश्चन आता है सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होते हैं? मैंने आपको कई बार ये बात बोली, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के हैं 5, और इनको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा तरीका, सुनो ध्यान से। कई बार ऐसा होता है कि आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रास्ता भटक ना जाए इसके लिए आप गूगल मैप खोल लेते हैं, बस यही तरीका था, याद हो गया। अब
नेशनल हाईवे के ऊपर आपने गूगल मैप खोल लिया, याद कर लो NHMAP, NH इज नेशनल हाईवे, MAP इज मैप, नेशनल हाईवे मैप। ये पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। नेशनल हाईवे पर जाते हो तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तो पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं NH मैप के नाम से। अब ये कौन कौन से हैं? N stands for natural gas, H stands for high speed diesel, M stands for motor spirit, जिसे commonly हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं, A stands for aviation turbine fuel, जिसे common भाषा में हम लोग वाइट पेट्रोल भी कहते हैं। वाइट पेट्रोल है जो हवाई जहाज के अंदर, रॉकेट्स के अंदर, सुपर कार्स, सुपर बाइक्स के अंदर डलता है वाइट पेट्रोल। NHMAP, एंड लास्ट में आता है P, दैट इज क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा तेल, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो दीज फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर टू बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। यहां पे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं सत्यम त्रिपाठी, इन्होंने कहा अल्कोहल, दीपांशु ने कहा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एग्जेम्प्टेड होता है। सत्यम त्रिपाठी ने कहा अल्कोहल, ठीक कह रहे हो। दीपांशु गर्ग ने कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। नॉन टैक्सेबल का मतलब जो GST में कवर ही नहीं होते, जैसे GST में क्या क्या कवर नहीं होता। GST में आप कवर नहीं करते किस किस को? GST में आप कवर नहीं करते पेट्रोलियम को, अल्कोहल को, लैंड एंड बिल्डिंग को, तो वो बन गए नॉन टैक्सेबल। और जो आप प्रोडक्ट्स GST में कवर होते हैं लेकिन उनके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन दिए गए हैं, वो बन के हमारे एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट। दीपांशु गर्ग बोल रहे हैं पेट्रोल। केशव खंडेलवाल कह रहे हैं सर एग्जाम्पल वीडियो बनाएंगे ना प्लीज। एग्जाम्पल वीडियो बनाएंगे क्या मतलब इस बात का? कौन सा एग्जाम, कौन सा वीडियो? चलिए आगे की बात ध्यान से सुनेगा। आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंक्लूड करेंगे, इसके साथ साथ में आप सभी प्रकार के इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन ब्रांचेस ऑफ अ पर्सन विद द सेम पैन नंबर, आप इंटरस्टेट सप्लाई को इंक्लूड करेंगे। आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड करेंगे जिसके ऊपर आपने नहीं बल्कि रिसीवर ने RCM के हिसाब से GST देना है, आप उसको भी इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सारे वैल्यूज ऑफ सप्लाई को इंक्लूड करेंगे जो अक्रॉस इंडिया सारे जगहों से दिए जा रहे हैं, चाहे चाहे वो प्रिंसिपल दे रहा हो, एजेंट दे रहा हो, लेकिन अंडर द सेम पैन है, तो आप सबको इंक्लूड कर देंगे। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आप इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? आप GST का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, UTGST हो, स्टेट कंपनसेशन सेस हो, आप उन सारी चीजों को कभी भी कंसिडर या इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसके नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्पल को अपने आप भी रेफर कर सकते हैं। मैंने कुछ और आपको नोट्स दिए हैं। ये एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स इस पर परेशान होते हैं और मेरे से डाउट्स पूछते हैं। कंसेप्ट है कि साहब प्रिंसिपल और एजेंट का केस में हम लोग क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती कि प्रिंसिपल के केस में और एजेंट के केस में हम लोग क्या करें। मैंने आपको यहां पे काफी कुछ लिख के दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा। प्रिंसिपल और एजेंट के केस में क्या करेंगे, पहले आराम से आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर एक एजेंट है वो किसी प्रिंसिपल के लिए सप्लाई कर रहा है, अगर कोई एजेंट है
प्रिंसिपल के लिए सप्लाई कर रहा है तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करें, क्या वो हम लोग प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड करें या एजेंट के टर्नओवर में ऐड करें। मेरे बेटा याद रखिएगा, मैंने उसका आपको आंसर दिया, फॉर एन एजेंट सप्लाईज मेड बाय हिम, हिम का मतलब यहां पे एजेंट की बात हो रही है, सप्लाईज मेड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, वो अपने सारे प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे जो सप्लाई करेगा वुड हैव टू बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ एजेंट। तो एजेंट जो माल बेचेगा वो एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड करना है, ना कि प्रिंसिपल के टर्नओवर में। यहां पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, सत्यम त्रिपाठी पूछ रहे, सर व्हाट अबाउट जॉब वर्कर। सत्यम त्रिपाठी जी, आपके पूछने से पहले ही मैंने जॉब वर्कर वाला कंसेप्ट आपको सामने लिख के दिया हुआ है, पढ़ लो इसे। अक्षय चतुर्वेदी ने कहा वैल्यू ओ एस सप्लाई अंडर सेक्शन 15 में भी मेंशन्ड है। हाँ ठीक कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 में भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन गिवन है, 100% ठीक कह रहे हैं। दीपांशु गर्ग ने कहा आईटीसी एंड जीएससी कंपटीशन के बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा दो। दीपांशु, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी क्लास के अंदर करवाए हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। बहुत सारे का मतलब स्टडी मटेरियल के सारे, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस, सीएमए के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। और आपको एक बात बताता हूं, ये लॉकडाउन के दौरान सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले, लगभग हर चैप्टर के 3-3, 4-4, 5-5, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 10। वो सीए फाइनल के क्वेश्चंस, जितना पोर्शन उसका इंटर के लिए रेलेवेंट था, वो क्वेश्चन भी मैंने अपनी किताब के अंदर रखे हुए हैं, जिसकी प्रैक्टिस क्लास में करवाता हूं। लेकिन एक छोटी सी बात समझो, जिन स्टूडेंट्स ने पैसा दिया पढ़ने के लिए और जो फ्री पढ़ रहे हैं, दोनों को मैं बराबरी का मटेरियल तो दे नहीं सकता ना। तो आप जैसे फ्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मटेरियल है, और जो पैसा देते हैं, सीरियस होते हैं, उनको हमारी सर्विसेज भी ज़्यादा होती हैं, वो मटेरियल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये उनके लिए हैं जो प्रॉपर फीस पे करके हमसे पढ़ाई करते हैं। तो चाहे वो हमारी अपनी वीडियो क्लासेस ले लें या अन अकेडमी पर आ जाए, कुछ सेग्रीगेशन मेरे को रखना पड़ेगा। फ्री वालों को कम दूंगा, जो मेरे को पैसा पे करेंगे उनको मैं पूरा मटेरियल दूंगा। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल बिजनेस पॉलिसी। इसके बाद केशव खंडेलवाल, केशव खंडेलवाल कह रहे हैं सर जुलाई एग्जाम, सर पूरा स्टेट लॉकडाउन है असम, क्या सब ऑप्ट आउट मान लिए जाएंगे? बिल्कुल मान लिए जाएंगे जी। बाकी कल 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या बोलता है। तान्या अग्रवाल, सर ये तो प्रिंसिपल के सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए। सत्यम त्रिपाठी कह रहे हैं फर्स्ट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल। चंदन गुप्ता कह रहे हैं हाय सर, ओके जी। चलिए टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर सुनेगा, इन केस ऑफ जॉब वर्कर द टर्नओवर विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल एंड इन द टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर इफ इट इज, एंड नॉट इन द टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर इफ इट इज द केस ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज। पॉइंट ए, गुड्स रिटर्न टू प्रिंसिपल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। अगर जॉब वर्क के कंप्लीशन के बाद, अगर जॉब वर्क के कंप्लीशन के बाद ये गुड्स आपने प्रिंसिपल को वापस लौटा दिए, तो टर्नओवर जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, टर्नओवर प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, गुड्स सेंट टू अनदर जॉब वर्कर ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। गुड्स एक जॉब वर्कर से निकल के दूसरे जॉब वर्कर के पास जा रहे हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। एंड तीसरा, गुड्स आर सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रेमिसेस ऑफ जॉब वर्कर। जहां पे जॉब वर्कर के प्रेमिसेस है, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली माल बेच दिया, तो वो सप्लाई माना जाएगा प्रिंसिपल का, ना कि जॉब वर्कर का। मेरे बेटा, द टर्नओवर इन अबव केसेस विल बी द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ द जॉब वर्कर।
तो जॉब वर्कर वाली कहानियां मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी है। एक और बात कि साहब ब्रांचेस का टर्नओवर है तो क्या करें? अगर ब्रांचेस का टर्नओवर है तो वो ब्रांचेस का टर्नओवर और हेड ऑफिस का टर्नओवर आप सबको इंक्लूड कर देंगे, आप सबका एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, तभी आप एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 का कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साहब क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाइज को कंसिडर करना है? हाँ जी बिल्कुल जी, एग्जेम्प्टेड सप्लाइज को आपने कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करना है? हाँ जी एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करना है। और अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं और सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबका सेम पैन यूज हुआ तो आपने उसको भी इंक्लूड करना है। लेकिन एक बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये आता है कि साहब मान लो एक व्यक्ति है उसका एक ऑफिस है नॉर्मल स्टेट में जैसे दिल्ली, एक ऑफिस उसका है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जैसे मान लेते हैं मणिपुर, या ऐसा कहता हूं मैं एक असम तो एक मणिपुर। तो भाई अगर ऐसा कोई केस हो तो फिर हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या लें? 10 लाख लें, 20 लाख लें, 40 लाख लें? तो हमारी सरकार ने बहुत क्लियर कट इसके ऊपर जवाब दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कभी भी आपकी कोई भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आप जो लिमिट लेंगे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाला लेंगे, दैट इज पूरे इंडिया का मिला के टर्नओवर वही टर्नओवर होगा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए टर्नओवर चल रहा है और वो एट प्रेजेंट है 10 लाख रुपए का। वही चीज हमने यहां पे आपको लिख के दी है विद एग्जांपल, ध्यान से पढ़िए आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है इफ अ पर्सन इज हैविंग अ ब्रांच लोकेटेड एट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर एक पर्सन है जिसकी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, देन लिमिट फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 10 लाख्स एंड इट विल नॉट बी 20 or 40 लाख्स। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया, मैंने कहा मिस्टर जे इज हैविंग 2 offices, 1 office इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड 1 office इज लोकेटेड इन मणिपुर, द टर्नओवर ऑफ दिल्ली ब्रांच इज 9 लाख्स एंड द टर्नओवर ऑफ मणिपुर ब्रांच इज 5 लाख्स। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 5 का ऐड टोटल किया तो आया आपके पास 14 लाख्स। ये 14 लाख रुपए है जो कि 20 लाख रुपए से कम है, तो क्या लिमिट 20 लाख की अप्लाई होगी या लिमिट 10 लाख की अप्लाई होगी? जरा जल्दी से सोचो, क्योंकि उसकी एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है इस वजह से लिमिट एप्लीकेबल जो होगी वो लिमिट एप्लीकेबल 20 लाख रुपए की नहीं होगी, वो लिमिट एप्लीकेबल होगी 10 लाख रुपए की। और यही मैंने आपको आंसर में लिख के दिया है, द एग्रीगेट टर्नओवर इज 14 लाख्स विच इज लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 20 लाख्स, स्टिल मिस्टर जे इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन सिंस वन ऑफ द ऑफिसेस इज इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड द टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज। मेरे बेटा हम लोगों ने यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नॉर्मल स्टेट्स का टर्नओवर की लिमिट जो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में गिवन है वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग यहां से और आगे चलेंगे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स सम नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे सेक्शन 22 सबसेक्शन 2। आप सबको मेरे बेटा बहुत अच्छे से याद है कि आज से एग्जैक्ट 3 साल पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, आज की डेट है 1 जुलाई 2020। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017, 3 साल हो गए, आज बर्थडे है जीएसटी का। तो जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था
और मेरे बेटा याद रखना, उससे पहले हमारे देश में होता था सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सो ऑन। तो जितने भी लोग सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, जितने भी लोग एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, जितने भी लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थे, उन सबको माइग्रेट करके रजिस्टर किया गया अंडर जीएसटी। और उन सबका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1st of July 2017। जो माइग्रेट कर रहे हैं हम उनके बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। एक और बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग सक्सेशन के बारे में बात करें, सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सक्सेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जहां पे एक का बिजनेस कोई दूसरा टेक ओवर कर ले। अगर किसी एक का बिजनेस किसी दूसरे ने टेक ओवर कर लिया, सक्सीड कर दिया आप बिजनेस को, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आइए मेरे बेटा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्षय चतुर्वेदी जीएसटी के बर्थडे गिफ्ट, वो बर्थडे केक भेज रहे जीएसटी के लिए। अक्षत थैंक यू जी। ध्यान से पढ़ेंगे, सक्सेशन ऑफ बिजनेस। इफ अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर्स हिज बिजनेस बाय सक्सेशन, अपना बिजनेस को बेच दिया, सक्सेशन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, दैट मीन की डेथ हो जाती है तो भी यही प्रोविजन लगेंगे। देन द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का मतलब है जो नया व्यक्ति आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Then the transferee shall be liable to be registered with effect from the date of the transfer or the date of the succession. So I hope that this is very very clear. Should not be a big issue. Kabhi bhi iske upar koi bada issue nahi hona chahiye. Then we have section number 22 and subsection number 4. Section 24, 2 subsection 4 kya kehta hai? ये सेक्शन कहता है कि साहब अमलगमेशन के केस में और डी मर्जर के केस में क्या होगा। यहां पे पहले हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि अमलगमेशन होता क्या है, डी मर्जर होता क्या है। एक बार हम लोग ये सीख लें कि अमलगमेशन क्या है, डी मर्जर क्या है, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अमलगमेशन क्या है, व्हाट इज अमलगमेशन। मैंने एक कंपनी का नाम लिखा राम लिमिटेड, मैंने दूसरी कंपनी का नाम लिखा सीता लिमिटेड। लेटेस्ट राम लिमिटेड और सीता लिमिटेड दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी कंपनी बंद करके एक नई कंपनी बना देते हैं, रामायण लिमिटेड मान लेते हैं ऐसा। तो ऐसे केस में मेरे बच्चे ध्यान देना, जो कंपनी डिजॉल्व हो रही है, जो कंपनी बंद हो रही है, उन कंपनीज को हम लोग बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी। और इनकी जगह जो नई कंपनी बन रही है उस नई कंपनी को आप बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलेंगे अमलगमेशन, दैट प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल अमलगमेशन। डी मर्जर में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। डी मर्जर में क्या होगा, एक कंपनी है मान लेते हैं रबा लिमिटेड, उसका बंटवारा हो जाता है, कंपनी टूट जाती है, दो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक कंपनी बनती है लव लिमिटेड तो दूसरी कंपनी बनती है कुश लिमिटेड। जब एक कंपनी का बंटवारा हो जाए और नई कंपनी बन जाए तो आप उस नई कंपनी को बोलते हैं एज रिजल्टिंग कंपनी, एज रिजल्टिंग कंपनी। और जो कंपनी टूट जाती है उस कंपनी को आप बोलते हैं डीमर्ज कंपनी। और इसका ये जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को आप बोलते हैं डीमर्जर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मर्जर डीमर्जर ये वाला कंसेप्ट समझ आया। अच्छा, मैंने वर्ड बोला मर्जर, मेरे बेटा याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 AS 14 हमें दिया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम लोग टैक्स में इस्तेमाल नहीं करते। AS 14 कहता है कि हमारे पास पांच कंडीशंस हैं, जब पांच की पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन इट इज अ केस ऑफ मर्जर।
और अगर कोई एक कंडीशन का डिफॉल्ट हो जाए तो इट इज अ केस ऑफ अमलगमेशन बाय परचेज। ठीक है, ये ऐसा ही होता है, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, टैक्स में, टैक्स के सब्जेक्ट में अमलगमेशन और मर्जर को अलग अलग नहीं माना गया है। टैक्स के सब्जेक्ट में अमलगमेशन और मर्जर दोनों सेम चीजें मानी गई हैं। अब इसके केस में रजिस्ट्रेशन की बात कैसे चलेगी? इसके केस में रजिस्ट्रेशन की बात कुछ ऐसे चलेगी, मेरे बेटा ध्यान देना, अमलगमेशन और डी मर्जर जब कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार हो रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप ले लेते हैं, तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया, नई कंपनी बनाई, जिस दिन नई कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उस दिन से आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। दैट इज, नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। तो मेरे बेटा आज यहां तक हम लोग करेंगे, क्योंकि बाकी का डिस्कशन क्लास नंबर 2 में होगा। हमारा क्लास नंबर 2 कल है, कल है 2 जुलाई, 2 जुलाई और कल 2 जुलाई को हम लोग अपना सेकंड क्लास करेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 23 करेंगे, 24 करेंगे, कुछ और सेक्शंस हम लोग करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जीएससी का पूरा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं इन द मंथ ऑफ जुलाई। आज यहां तक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों की तरफ से कुछ अगर क्वेश्चंस आ जाए, कुछ प्रश्न आपके आ जाए, तो मैं आपके आंसर्स क्वेश्चंस की वेट करूंगा। अक्षत, सत्यम, तान्या, चंदन गुप्ता और बाकी स्टूडेंट्स जो भी क्लास में हैं, क्या आप लोग अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं? क्या आप मेरे को जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं? अगर क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम। इफ नॉट देन आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे। आई विल वेट फॉर 1 मिनट फॉर यू टू टाइप योर डाउट्स। अपने डाउट्स टाइप कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो मेरे से जल्दी से पूछे, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। चले, आई हैव वेटेड क्वाइट लॉन्ग। अक्षत ने डाउट पूछा है, अक्षत का डाउट है, सर अगर सर्विसेज 250,000, दो और दो, हाँ, अगर सर्विसेज 250,000 के नीचे है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। अक्षत, आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। अक्षत, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरे से जीएससी पढ़ा है, तो आपका ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था। रीज़न क्या है, क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि 2017 से पहले हमारे देश में सेल्स टैक्स का कानून होता था। अगर सेल्स, आपने गुड्स की सेल्स विद इन द स्टेट किया है, तो लोकल सेल्स टैक्स लगता था, और अगर आपने दूसरी स्टेट में माल बेचा है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएससी का कानून अप्लाई होता था। और जो सीएससी का कानून था, सेंट्रल सेल्स टैक्स का कानून था, उसका सेक्शन नंबर 7 कहता था कि अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है, तो चाहे उस सेल की कीमत 1 रुपया ही क्यों ना हो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दैट मीन्स इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, एज अ सीएसटी एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट कहता था।
लेकिन जब हम लोग सर्विसेज की बात करते थे तो सर्विसेज के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल था सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स कहता था कि चाहे आप विद इन द सेम स्टेट सर्विसेज दो या आप किसी दूसरे स्टेट में सर्विसेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 लाख रुपीज की लिमिट हम दोनों केस में अप्लाई करेंगे। तो अब 3 साल पहले जब जीएसटी का कानून बना तो हमारी भारत सरकार ने बेवकूफी यही करी, इन्होंने एज इट इज वो कानून यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। उसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे देश में अगर आप इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स करते हो तो 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती, ना 20 लाख, ना 10 लाख, ना 40 लाख, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के हिसाब से। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो तो 20 लाख या 10 लाख की लिमिट अप्लाई होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट में हैं। टोटली रेडिकुलस, टोटली माइंडलेस प्रोविजन, जरूरत ही नहीं थी। जैसा पहले वाले कानून में था वो सेम एज इट इज इस कानून में रखा, तो नया कानून बनाने का फायदा क्या हुआ। जब नया कानून बन रहा था तो नए सोच के साथ आना चाहिए था, और इनको यही करना चाहिए था कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कंसेप्ट और प्रोविजन सेम रखते, पर देन दैट इज द थिंग कि हमारी सरकार की उतनी सोच ही नहीं है शायद। अक्षत, आई वॉज मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। आज के लिए यहां तक करेंगे, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। आज के लिए नमस्ते, और कल शाम 5:30 बजे मैं 6:30 बजे मैं फिर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल।